कि भौतिक राशि P जो है वो A, B, C और D अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि A में जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितना है, 2% है, सॉरी 1% है, ठीक। B में जो त्रुटि है वो कितना है, 3% है, 2% है, 3% है। C में 4% है और D में 2% की प्रतिशत त्रुटि है। तो कह रहे हैं कि P में कितना मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, और कह रहे हैं कि P का मान दे रखा है 3.763, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि इसको आप जो है कितने मान तक पूर्ण करेंगे, मतलब यथार्थ वैल्यू इसका कितना आप लिख सकते हो, कितने दशमलव के कितने स्थानों तक लिख सकते हो वो बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले P की प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, P में प्रतिशत त्रुटि, तो P में प्रतिशत त्रुटि क्या जाएगा, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100% इक्वल टू, देखो ए में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%, ठीक। पावर है ना, कितना है पावर, 3, तो जब भी प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे पावर की क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। तो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस सॉरी इंटू 100%। सेम बी में कितना प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, बी की घात 3 है, तो 3 गुणा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100% प्लस में आएगा सारा, किस में, ये इंटू में है ना, यहाँ पे, यहाँ पे इंटू में है ना, इंटू में हो डिवाइड में हो हमेशा प्रतिशत त्रुटि का जाएगा ऐड होगा, ठीक ना। डिवाइड में जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है, यहाँ पे क्या है डिवाइड में, डी रूट ऑफ सी, तो ये आ जाएगा प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में तो भी क्या जाएगा, ये प्लस में ही आएगा, प्रतिशत त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होती, एरर कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा क्या होता है ऐड होता है, ठीक ना। सी की पावर कितना है, 1/2 रूट है ना, रूट का मतलब क्या था, 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100%, ठीक है ना, क्लियर है। तो डिवाइड में दे रखो मल्टीप्लाई में दे रखो हमेशा क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि ऐड हो जाएगा, प्लस जो घात दे रखे हैं उन घातों से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक ना। तो यह जाएगा 3 इंटू, देखो ए में कितना प्रतिशत त्रुटि है, 1% की, ठीक। बी में कितने परसेंट की त्रुटि है, 3% की, प्लस डी में कितने परसेंट की त्रुटि है, 4%, अच्छा सॉरी 2%, डी में 2% है, डी में 2% है। सी में कितना है, 4% है, कितना है, 4% है, क्लियर है, ठीक। तो यह जाएगा 3 × 3 प्लस 3 × 9 प्लस 2 + 2 कितना जाएगा, 2 × 2 = 4 × 3 = 7 × 9 = 16। तो कितने परसेंट की त्रुटि है इसमें, 16% की त्रुटि आ रहा है पी में, ठीक है। बी में कितना दे रखा है, देखो जरा, 1, 3, 4 और 2 अच्छा यहाँ पे बी, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो आ, कितना परसेंट एरर आ रहा है इसमें, 16% एरर आ रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है कि पी का जो मान दे रखा है इस मान को तुम कितने स्थानों तक लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं कि डेल्टा पी में निरपेक्ष त्रुटि कितना है, ये तो इसका प्रतिशत त्रुटि ना, क्या निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो देखो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए ये हो गया डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 का वैल्यू हो गया, निरपेक्ष त्रुटि क्या है इसमें, डेल्टा पी, क्या है, डेल्टा पी, तो यहाँ से डेल्टा पी बराबर क्या जाएगा, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा पी इंटू 16% बाय 100, ठीक ना। पी का मल्टीप्लाई जाएगा 100 इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3.673 इंटू 16 बाय 100, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा, 16 3 = 48, 4
सिक्सटीन सेवन जा सोलह सत्ते कितना था, 112 112 और चार 116 का छः ऐसे लगा 11 सोलह सिंह छियानवे छियानवे और 11 107 बचा कितना 10 जी ना, सोलह तिया 48 48 और 10 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। कितने समय दशमलव है, 1 2 3 बटे 100 डिवाइड कर दो कितना आएगा 0.58768। इतना इसमें निरपेक्ष त्रुटि है, इसके इसमें कितना जाएगा, इतना निरपेक्ष त्रुटि है। देखो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लगभग अगर कोटिमान के हिसाब से लिखें तो 8 को अगर हटा देंगे तो क्या जाएगा इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये लगभग जाएगा 0.6। जब इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है वो कितने स्थानों तक आ रहा है, एक स्थान तक आ रहा है, दशमलव के एक स्थान तक। तो यहाँ पे पी का जो मान है, इस पी के मान को भी हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के एक स्थानों तक लिख सकते हैं। और पी का मान जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका मान देखो इसको एक स्थान तक लिखो, 3.6 को हटा दोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा 3.8। और इतना उसमें निरपेक्ष त्रुटि है तो प्लस माइनस 0.6। जब भी निरपेक्ष त्रुटि को लिखेंगे कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, मतलब इतना ज़्यादा भी हो सकता है इतना कम भी हो सकता है, एरर का मतलब ये हो गया, ठीक ना, ये आ जाएगा। हैं, हाँ लिख लो।